हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश अनुदेश को के हालात सुधरने चाहिए। और मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। बदायूं की सरजमी पर बदायूं के जिलाध्यक्ष प्रतीक दुबे जी, महामंत्री अमित जी और इस बदायूं को जिन्होंने हम लोगों से जोड़ा, उनका यदि नाम ना लूं तो बदायूं के साथ अन्याय होगा, हमारे क्रियाकलापों के साथ अन्याय होगा। और ऐसे अपने छोटे भाई शैलेंद्र जी, कीर्ति जी, खड़े हो जाइए, आपकी देन है कि बदायूं शैलेंद्र जी की दार, शैलेंद्र जी की देन है कि बदायूं में का जिला हम लोगों से जुड़ा। और हम इसके लिए शैलेंद्र जी, कीर्ति जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार ज्ञापित करना चाहूँगा, क्योंकि पहली बार शैलेंद्र जी से बात हुई, कीर्ति जी फिर जुड़े, सूर्यक्रांति मैडम से भी हमारी बातें होती रहती थी, कई ग्रुप में जुड़ी थी। चूँकि अनुदेशकों के बारे में किस प्रकार से अनुदेशक का भविष्य अच्छा बने इसको लेकर लोगों चिंता करते थे। अमित जी के बारे में सुना कि काफ़ी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, एक एक 2013 से एक एक जियो को लेकर एक फाइल बनाया है, काफ़ी अच्छा लगा। और हमारे साथ चलकर आए हुए ये देवेंद्र जी हैं, हमसे पहले से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बरेली के जिलाध्यक्ष भानु जी का भी बहुत बहुत आभार। और ये पवन सागर जी, रात को शायद वो 5 दिसंबर का दिन रहा होगा, रात को 1:30 बजे तक हम लोग की वार्ता हुई थी कि किस प्रकार से बरेली में संगठन आए बने। और आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, बरेली जिला यदि हम लोगों से जुड़ा तो पवन जी को इसका बहुत बहुत क्रेडिट जाता है। हालांकि भानु जी बहुत पहले से प्रयासरत थे लेकिन संजोग नहीं बन पा रहा था। और मैं दोनों जिलाध्यक्ष को आमंत्रित करके जा रहा हूँ, सब परिवार गुरु गोरखनाथ की धरती पर आइए। और जो स्वागत अभिनंदन आपने किया है, शायद स्वागत अभिनंदन मैं ना कर पाऊँ, क्योंकि इतना आप लोगों ने कर दिया है, जो लकीर आप लोगों ने खींच दी है उससे बड़ी लकीर खींचना संभव नहीं है। ये आपका बड़प्पन है। और कल जब ट्रेन आई, 4 बजे इनका फोन आ गया, जब शाहजहांपुर से गाड़ी निकली कि आप कहाँ हैं, हमने कहा शाहजहांपुर से गाड़ी निकल चुकी है, इन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ। और जब मैं ट्रेन से उतरा तो सामने एक 6 फुट का जवान खड़ा हुआ। इस बात की बहुत सराहना हम लोगों ने, बहुत बड़ी बात है इतनी कड़ाके की ठंड में। भानु जी यदि स्टेशन पे, पवन जी और दोनों लोग स्टेशन पे खड़े थे, 5 बजे यदि कोई बंदा स्टेशन पे आपका इंतजार कर रहा हो, ब्रिगेडियर वाली जैकेट और तो लगा कि वास्तव में बरेली ये मंडल है जहाँ अभी अनुदेशकों का उबाल बचा हुआ है। और हम लोग आए स्वागत अभिनंदन स्टेशन से ही, साये की तरह लगे रहे। कल हम लोगों ने जबरदस्ती इनको घर भेजा 1:30 बजे रात में, ये जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन हम कहे आपका भी परिवार है, आपके भी बीवी है, बच्चे हैं, माता पिता है, तो आप जाइए, तो जबरदस्ती ये गए और सुबह फिर पहुंच गए। और प्रतीक जी से भी बातें होती थी कि किस प्रकार से अनुदेशकों का भविष्य सुधरे। यहाँ बहुत अच्छी संख्या में लोग हैं और इतनी कड़ाके की ठंडी, जिस प्रकार से मौसम चल रहा है, यदि इतनी संख्या है तो बधाई के पात्र हैं आप लोग। और बदायूं की सरजमी से और बरेली की मंडल के डीके भाई शाहजहांपुर से आए हैं, कल जा रहे थे, मैंने कहा रुकिए, और इन्होंने भी मेरे निर्देश का पालन किया और ये कहे नहीं आप जहाँ जहाँ जाएंगे मैं चलूँगा। और ये कल लग रहा है लगभग 9 बजे ही पहुँच गए थे बरेली, अब तब से घर नहीं गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो उबाल दिखाई दे रहा है अनुदेशकों के बीच में, कहीं ना कहीं कुछ करने
और हम बधाई देना चाहेंगे सूर्य क्रांति मैडम को भी कि एकमात्र नारी शक्ति यहाँ पे विराजमान है। तो आपको नमन करते हैं, आपके पतिदेव महोदय हैं सर, आपको भी सर नमन कि सब परिवार आप आए हैं इस लड़ाई में। और जब सब परिवार लोग लड़ाई में शामिल हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि अब हमारी जीत बहुत नज़दीक है। और आप लोग इतनी संख्या में आए, बहुत सारी बातें करना चाहते हैं आप लोगों से। पश्चिम में मुझे पहली बार आने का मौका मिला है, क्योंकि हम लोग पूर्वांचल के रहने वाले हैं। हम क्यों इतना सक्रिय हुए, क्या जरूरत पड़ी, उस पर भी प्रकाश डालूंगा। आपके मन में जो सवाल होंगे उसको भी सुनने का प्रयास करूंगा, समाधान करने करवाने का प्रयास करूंगा। अभी 3 जनवरी को जो बातें हुई उसको भी चर्चा करूंगा। एक मैं कहानी आपको सुनाऊं।